तो पिछली वीडियो मैंने बनाई है, एक मैं ट्रैवल करके जा रहा था आजमगढ़ नए वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी हनुमंतिया, एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह सब होता है, वाटर स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स वगैरह, तो वो सब मैंने किया था। उसमें एक कॉमन सवाल आ रहा था कि आपने वीडियो कैसे बनाई है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे ऐसे एंगल थे जो कि इम्पॉसिबल एंगल हैं, जैसे खिड़की के बाहर कार चला रहे हैं और खिड़की के बाहर से मुझे रिकॉर्ड कोई कर रहा है, तो लोग कोई कह रहे हैं ड्रोन इस्तेमाल किया कि कैसे इस्तेमाल किया, और हनुमंतिया में तो एक बहुत ही क्रेज़ी टाइप की वीडियो शूट करने को मिल गई थी, मौका मिल गया था ऐसा कि ऊपर वो पैरा मोटर ग्लाइडिंग करके गए, वहाँ पे वीडियोस ली, तो काफ़ी एपिक शॉट्स थे और लोगों का ये क्वेश्चन था कि यह है क्या। तो एक्चुअली मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने उसको आंसर किया है, बट नए लोगों के लिए मैं फिर से बना रहा हूँ। मैंने उसमें इस्तेमाल किया है 360 कैमरा। तो पिछले साल जो मैंने हनुमंतिया वाली वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी इंस्टा 360 1X से, जो मैंने 2020 में ख़रीदा था, और अभी जो मैंने पूर्वांचल की वीडियो बनाई है वो मैंने बनाई है इंस्टा 360 1R से, ये भी 360 कैमरा है, ये थोड़ा सा बेटर है क्वालिटी में क्योंकि ये नया कैमरा है, ये नया भी नहीं है, एक साल पुराना है, मगर इसका एक इंस्टा 360 1X का 1X2 आ गया है। ये जो है थोड़ा मॉड्यूलर टाइप का कैमरा है, इसमें जो आपको एक 360 का मिलता ही है, 360 का कैमरा डुअल लेंस वाला, इसके साथ ही आप एक वाइड एंगल लेंस भी मिलता है, ये ट्विन एडिशन है, तो इसमें ये भी मिलता है। तो इसको लगाने के बाद ये GoPro की तरह एक्शन कैमरा की तरह काम करता है, तो कुछ स्पोर्ट्स कुछ जगह पे होती है वहाँ पे आपको ये रिस्क नहीं लगाना है कि आपका ये 360 वाला लेंस जो है वो ख़राब हो जाए, अगर क्योंकि ये गिरा, ये देखिए थोड़ा सा बाहर है, तो अगर ये गिरा एक तरफ भी तो ये डैमेज हो जाएगा, तो बहुत फटका लग जाएगा। तो अगर उस टाइप की वीडियोज़ बनानी है, POV वीडियोज़ बनानी है जहाँ पे आपको 360 व्यू नहीं चाहिए, तो ये भी मिलता है ट्विन एडिशन में, तो हमने यही वाला लिया। अब बात करें प्राइस की, तो ये 40,000 रुपये के आसपास जो है वो रहता ही है Amazon पे, Amazon.in से मैंने लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि बहुत अमेजिंग कैमरा है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अनबॉक्सिंग की एक वीडियो बनाई है, तो उसमें ये है कैमरा है, डुअल लेंस है, फिर एक वाइड लेंस है, उसके बाद ये केज मिलता है जिस केज में ये है, और ये केज बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है, तो अगर कुछ झटका लगता है या गिरता है तो ये बिखर जाएगा, तो शायद गुम भी हो जाएगा, तो ये जो है केज जो है इसे इकट्ठे रखता है, साथ में रखता है, प्लस ये केज इसको वाटरप्रूफ भी बनाता है, 5 मीटर तक अंडर वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने ये केज लगाया हुआ है। और कैमरा के अंदर कोई ऐसा माउंटिंग ऑप्शन नहीं है, पर ये केज जो है आपको माउंटिंग ऑप्शन दे देता है, वो GoPro वाली, सारी एसेसरीज जो भी GoPro की अवेलेबल हैं वो आप अमेज़न से खरीद सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ एक ख़रीदा हुआ है हेडबैंड जो हेड में लगा के इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इसकी वजह से मैंने जो सेल्फी स्टिक मैंने ली हुई थी, ये सेल्फी स्टिक है, ये थर्ड पार्टी है, इंस्टा 360 टाइप की स्टिक है, और ये GoPro टाइप का केज की मदद से इसमें अडैप्टर है ट्राईपॉड वाला, नॉर्मल जो ट्राईपॉड का माउंट होता है, तो इसकी वजह से ये आसानी से लग जाती है और ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा, हनुमंतिया वाले वीडियो में देखा होगा या फिर पूर्वांचल वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने क्या किया था, मैंने सेल्फी स्टिक को पूरा एक्सटेंड करके इनविजिबल स्टिक को कार के बाहर कर दिया था, और मैं थोड़ा स्लो चला रहा था क्योंकि हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, मैंने स्लो चलाया, तो आप देख सकते हो वो फ्लोट, ऐसा लग रहा है कि कैमरा फ्लोट कर रहा है या फिर कोई ड्रोन फॉलो कर रहा है। इसे ऑपरेट करना बहुत इजी है, पहले मैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता दूं, 360 का जो डुअल लेंस का जो मॉड है, आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो है वो है 5.7K, 4K एक होता है उसके ऊपर भी 5.7K है, मगर 5.7K का मतलब ये नहीं कि आपको 4K से भी ज़्यादा क्वालिटी मिलती है, क्योंकि नॉर्मल जो कैमरास होते हैं वो कितनी उनकी फील्ड ऑफ व्यू होती होगी, वाइड एंगल वालों की 120 होती होगी, नैरो एंगल वालों की 100 होती होगी, 110 होती होगी या फिर 90 होती होगी, कितनी भी आपको मिलती है फील्ड ऑफ व्यू उसके हिसाब से वो 4K होता है। अब ये 360 ये चारों तरफ जो है ये शूट कर रहे हैं 5.7K में, तो 360 कैमरास की अच्छी बात ये है कि आप इसको रीफ्रेम कर सकते हो, जैसे ये शूट तो चारों तरफ कर रहा है, शूट चारों तरफ करने के बाद जब आप बैठे डेस्क पे आपको एक तरफ का चाहिए, तो आप एक तरफ का अगर 120 डिग्री, चलो 90 डिग्री मांग लेते हैं, तो
360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का आपको मिलता है, तो उसमें रेजोल्यूशन भी जो आपको 5.7 की है वो भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं फुल एचडी प्लस, फुल एचडी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है. आप फुल एचडी की वीडियोस बना सकते हो यूट्यूब वगैरह के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए, तो चल जाएगा. फुल एचडी तो काफ़ी अच्छी है. बस यही है कि ये एक्शन कैमराज टाइप की कैटेगरी में आते हैं, छोटे हैं तो इनके सेंसर भी छोटे हैं, तो लो लाइट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है. जब दिन में रहते हैं जो बहुत अच्छी लाइट रहती है, सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी रहती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. आपने देखा है वही क्वालिटी, बट मैच नहीं कर सकते आप इसकी कैमरा की क्वालिटी या फिर DSLR की क्वालिटी से. मगर बात ये भी है कि हमेशा हर जगह क्वालिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है आपका कॉन्टेंट, आपकी स्टोरी. आपकी क्वालिटी का फ़ायदा क्या कि अगर आपने उसको अच्छे से फ्रेम ना किया हो या उसको आपने कवर ही ना किया हो, तो ये थोड़ा सा आसान बना देता है कि अब मैं अपने कैमरा को तो बाहर नहीं लगा सकता था कार के बाहर, या फिर लगाता तो उसके लिए कितनी एक्सपेंसिव, शायद इस कैमरा की जितनी कीमत है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव उसकी चीज़ें रिग वगैरह आ जाती, और उसमें भी अगर बाई चांस गिर जाता तो ख़राब हो जाता. तो अच्छी क्वालिटी तो मिल जाती मगर उसमें कितनी पीछे कितनी मेहनत थी, और उसमें करना क्या था, 360 कैमरा में क्या करना था, जो एक्सटेंड करना था सेल्फी स्टिक को, और उसे बाहर कर दिया और मैं चला रहा हूँ. मुझे ये भी बॉदर नहीं करना था कि मैं अपने फ्रेम में हूँ या कि नहीं हूँ, क्योंकि ये 360 कवर कर रहा है और मैं वापस आके मैं एडिट कर रहा हूँ और फिर मैंने अपने आप को फ्रेम कर लिया. और एडिट करना बहुत आसान है. 5.7K फुटेज लगता है कि बहुत हैवी फाइल है, कंप्यूटर पर हो नहीं सकती, मगर अगर आपके पास एक फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन है, आईफोन या एंड्रॉयड, जिसमें जैसे अगर एंड्रॉयड है तो स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का, 800 सीरीज़ का है, या फिर आईफोन जो है काफ़ी अच्छे स्मूथली 5.7K फुटेज भी बहुत ही आसानी से हो जाती है, और ये डायरेक्टली होती है. अगर जैसे आप इतनी अच्छी है, आपके साथ आप कनेक्ट करो, आपको कनेक्ट करने के बाद आपको फुटेज जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे भी नहीं लानी है. आप वायरलेसली कनेक्ट होते हो अपने कैमरा से, उसके अंदर जो कार्ड होगा, उस कार्ड में जो डेटा होगा उसी को आप एडिट कर सकते हो ऐप के अंदर. और एक बार जब आपने एडिट कर लिया है और एक्सपोर्ट करोगे तो सिर्फ वो एक्सपोर्टेड फाइल ही डाउनलोड होगी आपके मोबाइल फ़ोन पे. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए आपके अपने मोबाइल फ़ोन में. तो Insta 360 Studio एक एप्लीकेशन है जो विंडोज़, PCs और मैक के लिए अवेलेबल है. उसमें भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है और ये 5.7K फाइल्स चल जाती हैं, अच्छे से चल जाती हैं अगर आपने 2020-2019 में ये लैपटॉप वगैरह ख़रीदा है. तो वर्कफ्लो में कोई टेंशन नहीं है, आप Insta 360 Studio ऐप जो है PC और मैक के लिए अवेलेबल है उसमें कर सकते हो. मगर अगर आपके पास कंप्यूटर लेटेस्ट वाला नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन, तो ऑब्वियसली 2019 के बाद का ही ख़रीदा हुआ होगा, और उसमें ये बहुत अच्छे से चलेगा जो आप इसको एडिट कर सकते हो. इसके अलावा ऐप के अंदर और भी ऑटोमेटेड चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हैं. जैसे आपने फुटेज करी, आप उसे फॉलो कर सकते हो, कोई भी ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं एक्साइटिंग वीडियो सोशल मीडिया बनाने के लिए, ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके वीडियो बनाओगे. ऑन दी अदर साइड इसकी जो बैटरी है, बैटरी की बात करना भूल गया था, तो इसके अंदर जो बैटरी है, इसकी स्टॉक बैटरी है, वो 1 घंटे का टाइम मुझे दे रही है. और जिसको प्रोफेशनल वर्क करना है वो एक्स्ट्रा बैटरी ले लेता है, 3,000 रुपये की एक्स्ट्रा बैटरी है. फिर एक एक्स्ट्रा चार्जर अगर आप ले लोगे तो वो 2 बैटरी को इकट्ठे चार्ज कर लेता है, तो आपका काम हो जाता है. 1 घंटे की जगह 2 घंटे की आपकी टाइमिंग मिल जाती है. फ़ायदा यही है कि आप डबल बैटरी, दूसरी बैटरी ले लो, या फिर आप नहीं भी ले लो तब भी चलेगा. जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पावर बैंक है तो टाइप सी से चार्ज होता है और अच्छा चार्ज होता है. तो फास्ट चार्जिंग वाला बैंक, पावर बैंक है, Xiaomi बैंक मैं रिकमेंड करूँगा, Xiaomi का पावर बैंक. एक उसका जो है 22 वाट का आउटपुट देता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो काफ़ी अच्छा है. वो 1200-1500 रुपये का है मगर 10,000 mAh की उसकी कैपेसिटी है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स पावर करने के दे देगा, इंस्टेड कि आप दूसरी बैटरी खरीदो फिर उसे चार्ज करो और चेंज करो. ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑन करके छोड़ दोगे 360 वीडियो में, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. एक तो आपकी बहुत लंबी फुटेज हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा फालतू की फुटेज होगी उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा उसको एडिट करने में. तो इंटेंशनल होना चाहिए आपका वीडियो शूटिंग, जो कि मैंने बहुत टाइम के बाद सीखा है कि आपको जो जो चाहिए वही करो. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट, आधे मिनट का फुटेज ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए होता है, फिर मैं बंद कर देता हूँ. ये नहीं कि पूरे ट्रिप पे ही मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, फिर जब मैं आया हूँ तो फिर मैं देख रहा हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, ये वाला ले लूँ वाला ले लूँ. इससे अच्छा ये है कि छोटे छोटे बिट्स जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ वाले शूट करना चाहिए, यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो आप शूट कर लो और उसके बाद वो ज़्यादा ईजी रहता है. और जब शूट नहीं कर रहे हो तो आप कनेक्ट कर लो पावर बैंक के साथ, तो चार्ज होता रहेगा.
क्योंकि ये ट्विन एडिशन है, इसमें जो वाइड एंगल लेंस का जो कैमरा मिला है तो GoPro की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और वो बहुत अच्छा है। मतलब फिर वो इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी रगेड है कि मतलब लगता नहीं है कि आप बहुत डेलिकेट है। जैसे मेरा Insta360 ONE X जो मैं इस्तेमाल करता था वो काफ़ी डेलिकेट था, प्लास्टिक क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है और रगेड भी लगता है, और अगर वाइड एंगल लेंस है तो थोड़ा सा कम मुझे स्ट्रेस रहता है कि अगर गिरेगा भी तो इतना ज़्यादा इसको नुकसान नहीं होने वाला है। तो वाइड एंगल लेंस जो है वो 4K लेंस है, आप 4K में शूट कर सकते हो। वो काफ़ी मोटो व्लॉगिंग टाइप के कंटेंट के लिए या POV टाइप के कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा 360 कैमरा तो है ही, 360 कैमरा से आप रिकॉर्ड करो, उसके बाद रिफ्रेम करो जैसा जैसे चाहिए। तो आप देख चुके ही हो वीडियोस, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं। और Insta360 का अपना एक ये फ्लो स्टेट कहते हैं, स्टेबलाइजेशन, और इनका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, स्पेशली 360 कैमरास में। 360 कैमरा जो अगर लगाओगे तो फ्लो स्टेट रहेगा, तो अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो एकदम गिम्बल टाइप की आपकी फुटेज आती है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप दौड़ रहे हो तो बहुत शेकी रहती है। अब स्मार्टफोन के स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी हो गई है, मगर फ्लो स्टेट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, एटलीस्ट 360 वाले मॉड में। अब 4K वाले मॉड के अंदर भी इन लोगों ने फ्लो स्टेट दे दिया है। पहले ये होता था कि आपको फिर उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करके उस फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन को ऑन करना होता था, तभी आपको वो स्मूदी फुटेज मिलती, वरना ख़राब रहती। मगर एक नई अपडेट आई है जस्ट अभी 15-20 दिन पहले, जिसकी मदद से आप क्विक फ्लो स्टेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कैमरा के अंदर ही होता है। तो अगर आप जब 4K मॉड को इस्तेमाल कर रहे हैं इस 360 ONE R कैमरा में और क्विक फ्लो स्टेट से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपकी स्मूथ फुटेज तो मिलेगी ही, वो MP4 में होगी। तो आपको इनके ऐप या सॉफ्टवेयर में रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली या तो आपको कनेक्ट करके ऐप में करके डाउनलोड करें और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कर ले, या फिर SD कार्ड, microSD कार्ड इसके अंदर जो है अपने लैपटॉप में लगा कर वो MP4 फाइल को अपने सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर लें, लाइक नॉर्मल GoPro विद ग्रेट स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी सैम्पल फुटेज, अगर आप व्लॉगिंग टाइप का कंटेंट बनाना चाह रहे हो तो भी इसे अच्छा है स्मार्टफोन के मुकाबले। आप देख सकते हो कितना फील्ड ऑफ व्यू है, कितने अच्छे तरह से फ्रेम कर रहा है, और क्योंकि ये मॉड्यूलर है तो आप इसको इस तरह से सेटअप कर सकते हो कि स्क्रीन आपके सामने रहे ताकि आप अपने आप को देख सको कि कैसे फ्रेम। वैसे वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना वाइड एंगल है कि आप हमेशा फ्रेम में रहोगे, तो फ्रेम वो सब देखने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी एक ऑप्शन है कि आप इसको सेट कर सकते हो, स्क्रीन अपनी तरफ रखो, कैमरा लेंस अपनी तरफ रखो, या स्क्रीन अपनी तरफ रखो और कैमरा लेंस उस तरफ रखो जो भी शूट कर रहे हो। तो दोनों तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप व्लॉगिंग स्टाइल में 4K मॉड को इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी है, और सैम्पल फुटेज आप देख रहे होगी कैसी है 4K मॉड की, आप उसकी तो देख ही चुके हो 360 वाली नए व्लॉग में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो जो फुटेज, आपको पता चल जाएगा कि 360 कैमरा से ली गई है। तो यूज़ केस तो आप खुद ही देख रहे हो उस तरह की वीडियोस को स्पाइस अप करने के लिए, लोगों को पसंद वो वीडियोस इसीलिए आ रही है क्योंकि उसमें उस तरह के यूनिक एंगल्स हैं। नॉर्मल मैं वो बाकी पूरी व्लॉग जो मैंने वो कैमरा से बनाया है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा है दोनों ही वीडियोस में, और जब कोई एक्शन चल रहा है और बहुत यूनिक शॉट है तो वो 360 कैमरा से लिया गया है। तो एक यूज़ केस ये है कि ट्रैवल वीडियोस, होम वीडियोस, इसमें एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो। अगर आपके आसपास कोई है नहीं जिसको नॉर्मल कैमरा हैंडल करने का कम्फर्ट, आप 360 कैमरा से अपने आप को शूट कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो अपनी वीडियोस में। तो एक ये यूज़ केस है। दूसरा, बिहाइंड द सीन्स अगर बना रहे हो, कुछ आप शूट करते हो उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा है कि आप उसको लगा दो बैकपैक में पीछे लगा दो तो वो, या फिर किसी भी तरह से मतलब उसको एक जगह खड़ा कर दो तो आप जो है अपने सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके बाद में आप उसे रीफ्रेम करके सेट ऐसे कर दोगे कि जैसे लगेगा कि कोई और कैमरा को हैंडल कर रहा है और आपका बिहाइंड द सीन शूट कर रहा है। इसके अलावा तीसरा जो यूज़ केस ये है कि इसके ऐप के अंदर इतनी सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, लोग अमेज्ड हो जाएंगे। तो कंज्यूमर ग्रेड में ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, इसमें आपको फ्रेमिंग, जिसको ये होता है ना कि कैमरा में किसी को फ्रेमिंग वगैरह की इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि उनको सिर्फ रिकॉर्ड करना है, शेकी फुटेज भी नहीं होनी है, फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा है 360 कैमरा में, प्लस आपको फ्रेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में आप कैमरा में फ्रेम कर लो और एक्सपोर्ट करके उसे पोस्ट कर दो। तो ये तीनों यूज़ केस हैं, आई एम श्योर और भी यूज़ केसेस होंगे इसके अंदर ही अंदर, अलग अलग तरह के यूज़ केस होंगे, एंड आई एम श्योर आप खुद पता लगा लोगे कि हाँ ये कैमरा मुझे किस तरह से
हेल्प कर सकता है मेरे कंटेंट क्रिएशन में, या फिर मेरी होम वीडियोस में, या मेरी सोशल मीडिया की वीडियोस में। तो इस वीडियो में मुझे यही था बताना कि मैं उस तरह के शॉर्ट्स जो कि बहुत ही यूनिक लगते हैं और बहुत ही एडवेंचरस लगते हैं, वो मैं सारे 360 कैमरा से ले सकता हूँ और ये एक्सेसिबल हैं, सभी के लिए अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप ज़रूर ख़रीदें और ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, काफ़ी मस्त कैमरा है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और मुझे बताएं अगर आप ख़रीदा है। मैं ट्यूटोरियल बनाने की भी कोशिश करूँगा, अगर आपको ट्यूटोरियल भी देखने हैं कि किस तरह से इसका वर्क फ्लो, कौन सा सबसे अच्छा वर्क फ्लो है, तो उसको भी मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।